सत श्रीकाल सारे वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। कल PSPCL का नोटिफिकेशन आया है, 544 वैकेंसी हैं उसके अंदर, सिविल नू लेके, इलेक्ट्रिकल नू लेके, जूनियर इंजीनियर दिया। हूँ इस तो बाद बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होने स्टार्ट हो गए हैं, उसी दे रिलेटेड ही मेरा वीडियो है कि सर इस एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल होएगा नहीं होएगा, बीटेक एलिजिबल होएगा नहीं होएगा, सर इस सिलेबस क्या रहेगा, इस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो इस डेट ऑफ एग्जाम क्या रहेगा। हूँ इन सारे के आंसर जिहड़े मैं तुहानू दूंगा वो सारे टेंटेटिव है नो डाउट, लेकिन इस दे लई जिहड़ा मैं रेफरेंस लेके चल रहे हैं वो है PSPCL का जिहड़ा 2021 दे विच नोटिफिकेशन आया सीगा 75 वैकेंसीज का, उसका रेफरेंस लेके चल रहा मैं, राइट। उस दे विच क्या सारा सिस्टम रहा सीगा ते उस दे बेस ते एक्सपेक्टेड इस बार क्या है, सारा मैं उसी दे बेस ते ही रेफरेंस लेके करूँगा कवर मैं। तो मैं रवि सर नूं भी रिक्वेस्ट करिया कि सिलेबस नूं लेके एक डिटेल एनालिसिस का वीडियो 2021 वाला जो पेपर होया सीगा मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का, वो तुहानू पूरा डिटेल एनालिसिस देंगे कि किस टॉपिक चो किन्ने मार्क्स का पेपर आया, किस केड़े सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या तुसी अप्रोच, क्या स्ट्रैटेजी तुसी फॉलो करनी है, वो भी मोस्ट प्रोबेबली तुहानू वीडियो कल तक मिल जाएगा, राइट। उस तो पहला कि मैं तुहानू इस सारे चारों क्वेश्चन के आंसर देवा, तो मैं तुहानू कुछ अनाउंसमेंट करनी है कि अपने जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच है मंडे तो स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे तो ऑफलाइन तुसी चंडीगढ़ आके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, तो ऑनलाइन भी तुसी कर सकते हो। बड़े नॉमिनल चार्ज, अफोर्डेबल चार्जेस असी करते हैं इंजीनियर्स करियर पॉइंट यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म से, बहुत घट नहीं होएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होएगा, मोर देन वैल्यू फॉर मनी होएगा। इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज़ का एश्योरेंस इंजीनियर्स करियर पॉइंट और यूरोपीडिया टी टीम हमेशा लेंदी है कोई भी मॉड्यूल जो असी लॉन्च करते हैं, राइट। हुण जिहड़े भी तुहाडे जो इंट्रस्टिड हैं इस दे लई साडे नाल प्रिपरेशन करन दे लई, ऑफलाइन होए चाहे ऑनलाइन होए, बेस्ट टीम ऑफ इंडिया त्यागी सर, कैलाश सर, रवि सर, टेक्निकल दी टीम, नॉन टेक्निकल दी टीम इंग्लिश शुभम मैम, रीजनिंग जसप्रीत मैम, ते जनरल स्टडीज लिए विजेंद्र सर और तुहाडे जिज्ञासा मैम, इन्होंने ही तुहाडा सारा कंटेंट कवर करना है। और यही कोर टीम है ECP दी भी ते यूरोपीडिया दी भी, जिहड़ी भी तुहाडे इंट्रस्टिड है वो डायरेक्टली लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन दे विच, उत्थे तो तुसीं जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो ते अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। हुण तुहाडे एक ही करके मैं क्वेश्चन आंसर करदा, मैं 2021 दा नोटिफिकेशन रीड करी जाऊँगा, इसी दे विच तुहानू मैं सारे क्वेश्चन आंसर मैं करी जावांगा। इसका जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसैस है वो 31 मई में स्टार्ट होया, तो जो लास्ट डेट है 20 तारीख, उस टाइम भी तुम्हें इन्होंने सिर्फ 20 दिन का ही टाइम दिया, इस बार भी इन्होंने 20 दिन का ही टाइम है। जोड़ा नंबर ऑफ वैकेंसीज उस टाइम आया सगा JEE नू लेके वो सीगा तुहाडा JEE इलैक्ट्रिकल का टोटल 75 वैकेंसी, 1700 ALM का सगा, तो असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट का 290 वैकेंसी सगा। डोमिसाइल जोड़ा है वो इस तो ऑन और इस तो बाद का होया होना चाहिए, तो उस दिन तुसी डेट तो रेफरेंस ले सकते हो, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिम्मे इंजीनियरिंग सर्विसेज का नोटिफिकेशन आता है, गेट का नोटिफिकेशन आता है, तो उस दे विच वो जिहड़ा रेफरेंस है, जिहड़ा गैप है डेट्स का या क्राइटीरिया है, वो उसी दे हिसाब नाल ही चेंजेस कर देने उन्हें, तो उस तो तुसी आइडिया लगा सकते हो कि कदों तक तुहाडा जिहड़ा है डोमिसाइल बनया होना चाहिए, अगर पुराना है तो तुसी उसनू रिन्यू करवा सकते हो, राइट। उस तो बाद रिजर्वेशन वगैरह नू लेके चीज़ां चेंज हो ही जांदी है। हूँ आप बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिहड़े तुसी देखना चाहते हो सुनना चाहते हो। सब ना पहला आ गया तुहाडा एलिजिबिलिटी कि कौन इस लिए क्वालिफिकेशन वाइज कौन एलिजिबल होएगा। देखो उरे बहुत बड़ा डाउट आ रहा है बच्चों का, दो डाउट है क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी नू लेके, तीन इनफैक्ट, कि सर बीटेक एलिजिबल है या नहीं है। उस दे लिए पिछले नू साल पहला नोटिफिकेशन आया सीगा PSPCL दा, जिस उन्होंने किया सीगा कि डिप्लोमा इज कंपलसरी, ओनली बीटेक वाला एलिजिबल नहीं होएगा। इस दे क्वेश्चन दे आंसर लई तुहानू सिर्फ वेट करना पेगा, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से जो मैं पता करया डिपार्टमेंट तो उस दे विच इन्होंने क्लीयरली किया कि डिप्लोमा इस दे लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन पिछली बार 3 से 4 साल वाले दोनों एलिजिबल इन्होंने किए थे, बीटेक डिप्लोमा और बीटेक वाले दोनों एलिजिबल थे। दूसरा डाउट आ रहा बच्चों का, सर इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल होएगा, पिछली बार एलिजिबल सीगा इलैक्ट्रीकल, तो इलैक्ट्रीकल एंड इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है इस दे विच एलिजिबल विद, तीसरा उरे आ गया डाउट 60% मार्क्स वाला जो है उरे एलिजिबल सीगा पिछली बार। हूँ उस तो बाद जिदे को बी बीटेक सीगा, क्योंकि ये शायद इस बार ना अलाउड होए तो उत्थे 50% वाला सीगा, राइट, या AMI वाला, AMI तो रहेगा ही रहेगा, सॉरी AMI भी, क्योंकि वो बीटेक दे इक्वलेंट हो जाता, तो उस दे लिए भी आपां नूं थोड़ा जिहा वेट ही करना पेगा। राइट, उस तो बाद नेक्स्ट अपना जिहड़ा उरे क्वेश्चन अपना हुण रेज हो रहा है, नॉलेज ऑफ पंजाबी ओबवियसली वो मैट्रिकुलेशन लिए उरे भी रिक्वायर्ड होएगा। एज इज रिलैक्सेशन, एज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम एज जी है, सॉरी मैक्सिमम एज जी थोड़ी है मिनिमम 18, तो उस तो बाद 37 जी है इस द एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया एज वाइज इस लिमिट, बाकी रिलैक्सेशन जी है तो कैटेगरी वाइज तुम्हें उरे मिल रहा है। हूँ आ गया स्कीम ऑफ एग्जामीनेशन, एग्जामीनेशन का स्कीम,
अगर आप गल करिए जेई इलैक्ट्रिकल की, तो उरे जो इन्होंने लास्ट टाइम पेपर लिया 100 क्वेश्चन उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके 70 क्वेश्चन जोड़े थे तो डोमेन स्पैसीफिक इलैक्ट्रिकल ब्रांचों आएंगे, जिसका पूरा डिटेल एक वीडियो रवि सर ने बनाते वो तुम्हें जोड़ा है कल उसका वीडियो भी मिल जाएगा। तो 70 क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट रहेंगे, 70 किस तरीके उन्होंने डिवाइड कराया मॉर्निंग शिफ्ट से इवनिंग शिफ्ट से तो सारा उरे पता लग जाएगा। जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन का जोड़ा है ये पेपर से। तो हूँ उरे अपनी गल होगी अपनी सिलेबस की भी, अपना एग्जाम स्कीम की भी गल हो गई है, राइट। उस तो बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, उरे बहुत बच्चा जोड़ा है क्वेश्चन करता है कि सर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटीरिया रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो किसी भी एग्जाम के एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटीरिया होंगे ही है, राइट। PSSP के लिए क्वेश्चन मार्क है क्योंकि उन्होंने नहीं मैनशन किया, लैट सी क्या होंगे। उस तो बाद जनरल कैटेगरी 45% तो रिजर्व कैटेगरी सारे के लिए जोड़ा है 35% मिनिमम लेने जरूरी है। बट मिनिमम लेने का मतलब यह नहीं है कि तुहाडा उसके नाल जोड़ा सिलेक्शन है वह एश्योर्ड हो रहा है, नहीं, मिनिमम मतलब इन्ना रिक्वायर्ड है। उस तो बाद फिर मैरिट बनेगा कैटेगरी वाइज, तो उस किन्नी सीटा हैं तो वो टॉप दे उन्होंने बच्चों ही जोड़ा है बुलाया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए रिक्रूटमेंट के लिए, राइट। उस तो बाद नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि दो शिफ्टों शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 तक नॉर्मलाइज करने का क्या फॉर्मूला है, उन्होंने फॉर्मूला उरे दिता है कि तुम अपना स्कोर किमें नॉर्मलाइज जोड़ा है चैक कर सकते हो, क्योंकि मे बी शायद एक पेपर ईजी आ गया, एक डिफिकल्टी आ गया, किन्ना एवरेज निकलिया, किन्ने बच्चे अपीयर हुए, उस सारे के बेस के उपर ही यह सारा तुम्हें नॉर्मलाइजेशन होकर मार्क्स मिल रहे हैं, राइट। उस तो बाद फीस जोड़ा है पिछली बार 800 रुपये से प्लस 18% GST, ये हो गया। टर्म्स एंड कंडीशन ये सारा तुम नॉर्मल है, चीज़ा मोरलैस सारा सेम रहा है, ठीक है जी। उस तो बाद यही थोड़े मेन पॉइंट से जोड़े एलीजिबिलिटी लेके कि सर कौन कौन एलीजिबल है, इलैक्ट्रॉनिक्स बीटेक तो अपना 60% बीटेक परसेंटेज वाला क्राइटीरिया पहला पॉइंट, ये 60% इन्होंने रखा सी, लेट सी इस पर कितना रखते हैं, मोरलैस वैसे यही रहेगा क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जिस चेंजेस नहीं आते हैं। बीटेक क्वेश्चन मार्क चांसिस बहुत घट हैं, ओनली इलैक्ट्रॉनिक्स चांसिस बहुत घट हैं, यस ट्रिपल इज एलिजिबल, इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रॉनिक्स इज एलिजिबल। उस तो बाद इलैक्ट्रिकल भी इस एलिजिबल है, एग्जाम पैटर्न सर चेंज होएगा कि सेम रहेगा, मोरलैस जो एग्जाम पैटर्न के चांसिस देने हैं वो सेम होंगे ही हैं, अदरवाइज अगर एग्जाम पैटर्न चेंज होया लेकिन जोड़ा सिलेबस है वो मोरलैस यही रहेगा, सॉरी जोड़ा कंपोनेंट्स हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल दे, इस ज़्यादा तो ज़्यादा जोड़ा है तो जिमें PSSSC जी तुम देखा होगा इन्होंने ICT ऐड करते हैं, पंजाब ऐड करते हैं, पंजाबी GK ऐड करते हैं, चांसिस हैं उसके भी इस एग्जाम ऐड होंगे। मे बी एक दो दिन तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको सारी क्लीयर हो जाएगा, मैं उस भी एक तुम्हें डिटेल वीडियो पा के दे दाँगा, बना के दे दाँगा कि क्या सारा का सारा ये जो डाउट्स हैं उत्थे जाके सारे क्लीयर हो जाएंगे। डिटेल सिलेबस लिए रवि सर ने वीडियो मैं उन्होंने किया हुआ, मे बी शायद उन्होंने बनाते हैं तो वो तुम्हें मिल जाएगा कल तक, तो मंडे तो बैच स्टार्ट है, जेडे भी थोड़े चो इंट्रस्टिड है पूरी यूरोपीडिया इंजीनियर्स करियर पॉइंट की टीम नाल जुड़ के अपनी सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो। हूँ जम्मू कश्मीर के रफली मैं तुम्हें कल भी दसा से 50 के आसपास सिलेक्शन जी कंफर्म हो चुकी है, बाकी नंबर चल रहा है क्योंकि बहुत बच्चा सीगा जिन्हें प्रिपरेशन करया, उम्मीद करते हैं PSSSC के एक्सपैक्टिड है सानू कि 100+ के आसपास सिलेक्शन होंगे इलैक्ट्रिकल और सिविल वगैरह नू मिला के, तो अच्छा है सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो बस तुम भी अपना क्या करना है जुड़ के ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन एश्योर करो, जिन्ना कंटेंट तुम्हें प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी मोर दैन सफिशेंट टू क्रैक दिस एग्जाम। ये मैं पहला भी किया हर एग्जाम को लेकर, हूँ भी मैं यही चीज़ कह रहा तुम्हें हर एग्जाम लेके, जेडे बैचिज रहेंगे दोनों लिए सेम रहेगा, मतलब दोनों लिए असं स्टार्ट कर रहे हैं, इलैक्ट्रिकल भी स्टार्ट कर रहे हैं तो सिविल भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो तुम इसी के जुड़ के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कोई भी स्टिल डाउट है, कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तुम मैं कॉल कर लो या डिस्क्रिप्शन जो गूगल फॉर्म है वो फिल कर दो, राइट। एवरीवन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।